माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी हाई प्रोटीन लो फैट एंड लो कैलोरी स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही कम टाइम में, कम इंग्रेडिएंट्स में एंड लेस ऑयल में बनकर रेडी हो जाएगा। जो लोग भी वेट लूज करना चाहते हैं और उनको आइडियाज़ नहीं आ रहा है कि उनको ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए, इवनिंग स्नैक्स में क्या खाना चाहिए, उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इस रेसिपी को ब्रेकफास्ट में या स्नैक्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। ये रेसिपी जितना खाने में टेस्टी है उतना ही न्यूट्रिशियस भी है। सो पहले हम लोग इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू देख लेते हैं। आप इसमें देख सकते हैं हाई प्रोटीन एंड लो कैलोरी लो फैट स्नैक्स है, जो कि बहुत ही हेल्दी है। तो आइए अब बिना देरी किए इसको जल्दी से बनाते हैं। मैंने 4 से 5 टेबल स्पून बेसन ले लिए हैं। पहले हम बेसन का बैटर बना लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम 1 पिंच अजवाइन डालेंगे। इसमें हम 1 पिंच अजवाइन डालें, थोड़ा सा नमक डालेंगे, इसमें थोड़ा सा हल्दी मिक्स करेंगे, देन थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर एंड थोड़ा सा धनिया पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें थोड़ा सा गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसका हम पतला बैटर बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। यहाँ पे मैंने बैटर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आपको इतना पे रखना है। अब यहाँ पे मैंने 50 ग्राम्स तक पनीर को अच्छे से मैश कर लिया है। ये होममेड पनीर है, लो फैट पनीर। इसको अच्छे से मैंने मैश कर लिए हैं। ये स्टफिंग के लिए मैं रेडी कर रही हूँ। अब इसमें हम थोड़े से चॉप किए हुए ऑनियन डालेंगे। थोड़े धनिया पत्ता, थोड़ी सी हरी मिर्च, एंड लास्ट में थोड़ा सा हम लेमन जूस डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लिए। ये आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से मिक्स हो गया है। यहाँ पे मैंने तवे पे 1 टीस्पून तक तेल डाल के चारों तरफ फैला लिए हैं। अब इसके हम बैटर को डाल के चारों तरफ से फैला देंगे। ये आप देख रहे हैं इस बैटर को मैंने चारों तरफ से फैला दिया। अब हम इस पे जो पनीर की स्टफिंग के लिए हमने रेडी किए थे इसको हम बीच में डालेंगे। इसको इस तरह से बीच में डालेंगे। Thank you.
इसको हल्के हाथों से हम फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें चारों तरफ से पक गया है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगा। प्लीज आप लोग अपने अपने घरों में जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे। और आपकी कोई भी डाइट से रिलेटेड कंसर्न हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।